चल शॉट आगे बढ़ेगा शॉट चल इधर लाइन चल जैसा कि आपको सबको विदित है, हर जिले का पुलिस मुख्यालय से निर्धारित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। अजमेर जिले का वार्षिक निरीक्षण मुझे आवंटित हुआ, तो मैं उसी क्रम में कल से यहाँ आया हुआ हूँ। तो कल पहले सीओ सर्किल ऑफिस किशनगढ़ का किया, थाना गेगल का इंस्पेक्शन किया, एसपी कार्यालय का इंस्पेक्शन किया, पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन, परेड अधिकारी भैया की आपके कंट्रोल रूम का ही भ्रमण किया। फिर आज जिले के सभी एसएचओज के साथ विस्तृत आपकी अपराध गोष्ठी एक आयोजित किया गया। समग्र रूप से ये कहना चाहूँगा कि जिले की जो भी कार्रवाइयाँ हैं, हमारे पुलिस मुख्यालय के सरकार के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनकी जो अपेक्षाएँ, उसके अनुरूप जिले में कार्रवाई अच्छी पाई गई। हमारा जो ध्येय होता है वो ये आने का ये होता है कि हम सरकार के स्तर से, मुख्यालय के स्तर से जो भी कार्रवाइयाँ या जो भी अपेक्षाएँ हैं, उनके अनुरूप कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि नहीं, और उन निर्देशों के पालना के लिए कोई परिवेक्षण का मैकेनिज्म है या नहीं। तो मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उनके व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने जो भी डायरेक्शंस हमारे प्राप्त भेजे जाते हैं, उनकी पालना के लिए बकायदा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, बकायदा व्यवस्था बनाई हुई है, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी एरियाज हैं, उनमें क्या कार्रवाई होगी, उसकी रेगुलर समीक्षा की जाती है। और यही हमारी अपेक्षा की जाती है, हमारी यह अपेक्षा यही रहती है कि हम समीक्षा करें, कमी पाएँ तो उनको निवारण का प्रयास करें। उस दृष्टि से मैं कार्य को अच्छा मानता हूँ और अच्छा पाया, इसके लिए बेसिकली बधाई के ये पात्र हैं इनकी टीम। अपराध गोष्ठी में अपराध की समीक्षा की जाती है, वो की है, अपराध में बढ़ोतरी हुई है, वो हमारा ध्येय भी है, सरकार की मंशा भी है कि हम एफआईआर के आंकड़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें कि एफआईआर कितनी दर्ज हो गई, अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता हमारी इस बात की है कि हम आए हुए विक्टिम की, आए हुए पीड़ित की जो भी वेदना है, उसके अनुरूप जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बेझिझक सभी एफआईआर दर्ज हों, ये हमारी प्राथमिकता है जो सभी एसएचओज को बताई गई। और मुझे फिजिकली यह भी हमें संतुष्टि है कि इसी के कारण इस वर्ष 2019 में आप 2018 की तुलना में आंकड़ों को कंपेयर करेंगे तो इसमें अपराधों में आप वृद्धि पाएंगे। कई विशेष अभियान विशेष परिस्थितियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और ख़ास तौर से वर्तमान में जो अभियान अभी चालू किया है रिसेंटली, वो मादक पदार्थों की तस्करी, उनके उपयोग एनडीपीएस के संदर्भ में चलाया गया, उसमें सभी एसएचओ तक के अधिकारियाँ उपस्थित थे, उनको इसकी गंभीरता से अवगत कराया गया। और चूँकि अजमेर में भी इस जो आपका ये प्रॉब्लम है, इसका कहीं कहीं पुष्कर में भी इसकी देखी जाती है, आपके विनाय सिवाड़ साइड में भी प्रॉब्लम है, और भी कई जगह इस तरह की समस्या है, तो इस शीर्षक के तहत कार्रवाई का स्कोप है, और इस शीर्षक के तहत जो हमारे अपराधी आते हैं उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई का स्कोप है। तो एसपी साहब से चर्चा करके, एसएचओ से चर्चा करके, हम उम्मीद करते हैं कि आगामी आने वाले दिनों में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोग और एनडीपीएस में लिप्त लोगों के खिलाफ हम गंभीर कार्रवाई करवा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि अभी अभियान चालू है और इसमें सभी स्तर से प्रयास हैं और इसको काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि राजस्थान फिजिकली में ये फैले, क्योंकि इसको हम बहुत गलत मानते हैं। बाकी जो अपराधों में
लंबित मुकदमे उनकी भी समीक्षा की। कई मामलों में कोई कारण हैं जिनके कारण लंबित हैं, उनके हम कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ अगर गिरफ्तारियां मुलजिम नहीं मिलने के कारण हुई हैं तो उनमें डायरेक्शन दिए हैं, एसपी साहब विशेष टीम का गठन करेंगे, उनकी गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल मेरे हिसाब से संतुष्ट होता है। अच्छा सर, जो पुलिस कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश वाली बात की तो उसमें थोड़ा सा बताएं कि पुलिस कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश, एक दिन का अवकाश, वीकली ऑफ, उसमें पुलिस से मुख्यालय विचार चल रहा है। सर, पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग और इसको लेकर के पिछली मतलब साल भर पहले तो ये अभियान चला भी था, मादक पदार्थों का तो तो अब और भी क्योंकि अभी चल रहा है सर, लोग अभी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं चीज़ को। नहीं, इसमें गंभीर किसको मानते हैं आप लोग? एनडीपीएस वाले को गंभीर माने या पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग को गंभीर? पब्लिक पर कोई वो नहीं है सर, मतलब फिर भी करते हैं, दे आर टेकिंग इट वेरी इजीली। जैसा अभी मीटिंग में बताया, एसपी साहब ने बताया था कि इस एक्ट में जो कोर्ट एक्ट है उसमें काफ़ी कार्रवाई की है, कम है तौर पर सर इसमें कोई। देखो, पब्लिक न्यूसेंस में हमको अधिकाधिक कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी छवि उसी से इम्प्रूव होगी जिससे जनता परेशान है, उस काम में हम मदद करेंगे। अगर हम पब्लिक न्यूसेंस है जो पुलिस से ही दूर होनी है वो दूर करेंगे तो हमें जनता में इमेज हमारी इम्प्रूव होगी, तो उसमें हम करेंगे। सर, मादक पदार्थ को लेकर पहले भी कई बार अभियान चलाए, लेकिन दरगाह हो या पुष्कर हम बड़ा ही है काम कम ही हुआ, तो ऐसा कौन सा अभियान वापस आप चलाने वाले हैं जिससे कुछ लोग रुकावट होंगी या कुछ रुकेगा? हम तो करेंगे ही, उसमें आप जैसे लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा है। अगर इतनी जानकारी आपको है तो उससे आगे की जानकारियां भी होंगी, मेरी रिक्वेस्ट पूरा सुन लो, अगर इससे आगे की भी जानकारियां होंगी तो वो जानकारियां आप उपलब्ध कराओ। मेरे हिसाब से आपकी अजमेर की जिले की टीम अच्छी है, इससे कार्रवाई होगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो नहीं पाती है, मतलब बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी सब कुछ चला जाता है जो भी होता है। पुराना अनुभव आपका क्या रहा होगा मुझे पता नहीं, बट आई कैन अश्योर यू कि नाउ यू शुड प्रोवाइड, यू एंश्योर द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एट प्रॉपर प्लेस। आई थिंक इट्स अभियान राज्य स्तर का चल रहा है, कंप्लीट बिना पुलिस सहयोग के या बिना जनता के सहयोग के पुलिस का कोई अभियान नहीं चल सकता है, इसमें कन्फ्यूजन किसी को होना ही नहीं चाहिए। अगर जनता सहयोग करेगी, सूचना नहीं देगी तो संभव ही नहीं। लेकिन दरगाह जैसे क्षेत्र एरिया ऐसा है जहाँ पुलिस पे अब तो मतलब पहाड़ों पर जा ही नहीं पाती, ऐसे ऐसे क्षेत्र ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पुलिस नहीं जा पाती, और ऐसा कोई आवश्यकता भी नहीं होती। हमें जरूरत है सही सूचना सही समय पे सही तरीके से। सर, थानों के वार्षिक निरीक्षण में संसाधनों की कोई कमी थानों के अंदर, जैसे कि स्टेशनरी आइटम्स? नहीं, ऐसी कोई विशेष स्टेशनरी आइटम कमी की कोई बात नहीं आई। यूँ संसाधन जितने बढ़ेंगे कार्यवाही अच्छी होगी। हम सब लीडर्स का रोल ये है कि उपलब्ध संसाधनों में ही हम वांछित रिजल्ट दें, इसी के लिए हम सबको लगाया जाता है। हम वरिष्ठ अधिकारी अगर संसाधनों की मांग करते रहें तो उचित नहीं है। सर, ये सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए काफ़ी मददगार हुए हैं, तो अपने यहाँ अजमेर में भी अभय कमांड सेंटर है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अभी तो आपको जिला पुलिस ने काफ़ी मामले सुलझे हैं सीसीटीवी कैमरे से, दूर के हैं काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन जो अभय कमांड सेंटर है सिर्फ जो लिंक होने थे 600 कैमरे वो अभी तक सिर्फ 200 करीब 200 तरह की है। नहीं, वो मेरे ध्यान में आज सुबह बात हो गई है। ऐसा है, कोई भी प्रोजेक्ट लगता है तो फेजेज होते हैं, एक फेज तो इम्प्लीमेंट हो गया, नेक्स्ट फेज इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है तो बताएंगे तो होगा, जब एक बार प्रोजेक्ट रोल आउट हो गया तो पूरा ही होगा, टाइम लग सकता है विलम्ब लग सकता है। अभी तक जो नहीं, मैं समझ गया जितने लगने थे कम लगे हैं, बट प्रोजेक्ट जब लगता है तो बोल तो दिया कि इतने लगाएंगे, बट फेजेज में लगाएंगे तो पहले फेज का तो लग गया, नेक्स्ट फेजेज की जो कार्रवाई होनी वो करेंगे। अभी सर आपने कहा कि